आदिश आदिश जय महादेश। आज मैं वर्णन करूँगा देवी शक्तियाँ सही है या शमशानी शक्तियाँ सही है, किस हाल से क्या चीज़ सही है वो आपको बताने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। ठीक है, सबसे पहला तो मेरे चैनल में अगर कोई नया है तो वो सब्सक्राइब करे चैनल को, ठीक है, लाइक करे और शेयर करे। ठीक है, देखो अध्यात्म की दुनिया में आप पहली बार अगर कदम रख रहे हो तो पहले तो मेरी सारी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, एक आध वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारा पूर्ण प्रयास यही है कि जन जन तक अध्यात्म की जो खोज है, तंत्र की खोज है, जिसको आज गलत प्रयास से बताया गया है, वो आप सभी लोग तक पूर्ण प्रयास से अच्छी तरह से पहुँच सके। तंत्र का कुछ भी ऐसा गलत कहीं पर भी वर्णन नहीं है किसी भी वैदिक ग्रंथ में, मगर हाँ आज के युग में ये काफ़ी आडंबर वाला विषय सभी के जीवन में बन चुका है। तो हमारा प्रयास ये है कि जन जन तक इसको सही करने के लिए एक आवाज़ उठाई है और हमारा साथ दे रहे, कुछ एक लोग साथ भी दे रहे, कुछ एक लोग थोड़ा सा मार्ग में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, जैसे जिसको सही लगता है वैसे कीजिए। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं शमशानी शक्तियों से। तो देखिए, शमशान की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो नाशवान भी है और ना नाशवान भी है। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जाने से आपको कुछ गलत आभास होगा, परंतु आप मार्ग के ही नहीं हो, उस मार्ग के ही नहीं हो तो आपको मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ यदि आपका मार्ग, आपके गुरु, आपकी साधना, आपका तंत्र जन कल्याण के लिए या किसी अन्य स्त्रोत्र के लिए, जैसे कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप शमशान में साधनाएं कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, बामा खेपा जी मातारा के पुत्र, ठीक है, बंगाल से, तो उन्होंने शमशान में पंचमुंडी आसन में साधना की। आज तक बड़े बड़े तांत्रिक भी उस आसन पे साधना नहीं कर सकते, तो शमशान में ही साधना की, कहीं अलग जगह नहीं की। तो भाव के ऊपर सारी चीज़ें निर्धारित हैं। ठीक है, भाव जैसा होगा वैसा ही वर्णन भगवान आपको देगा। ठीक है, शिव के साथ शक्ति है, शक्ति बिना कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। ठीक है, और रही बात इसकी कि आप कहीं और जाते हो तो प्रकृति ही सबसे बड़ा आपको एक फल है। प्रकृति में काफ़ी साधु संत सन्यासी साधक वर्ग, इवन यहाँ तक हम लोग खुद भी मैक्सिमम साधनाएं करते हैं इन जगहों पे। ठीक है, साधना करनी क्यों है, आत्म विकास के लिए। ठीक है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी है, किसी के बीच रह के नहीं करनी है, तो साधनाएं करेंगे आप लोगों के लिए ही होगा। अच्छा, देवियाँ कितनी हैं, 9 देवियाँ हैं। ठीक है, 10 महाविद्याएँ, महाविद्याओं में माँ काली है, माँ तारा है, माँ छिन्नमस्ता है और भी अनेकों हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी पराशक्तियाँ हैं इनका वर्णन अलग अलग किया जा सकता है, मगर ये शक्तियाँ आपको कुछ भी गलत नहीं करवाती, आपका सही ही करती हैं। तो इसलिए 10 महाविद्याओं में से किसी एक को आप आराध्य मानिए। ठीक है, या आपकी कोई कुल की देवी तो और भी अच्छा है, उनको आराध्य बनाइए, निश्चय ही आपके जीवन में काफ़ी सुधार आएगा, आप दूसरों का भला करने से पहले स्वयं का भला कर सकेंगे। तो इसी आशा के साथ अब आपसे क्षमा चाहेंगे, जैसे भी कुछ एक चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, कुछ एक चीज़ें करने को भी बहुत चीज़ें हैं, सात्विक कर्म, तामसिक कर्म, राजसिक कर्म, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। तो लोग आजकल सभी ऐसे हैं कि भगवा पहन लेते, उसके बाद समझ नहीं आता करना क्या है, ऐसा नहीं करना है। आपको पूर्ण गुरु की तलाश भी नहीं करनी है, आपको घर बैठे इष्ट जो आपके कुल के वंशज से पहले से चले आ रहे हैं उनके राधा। जय माँ।